असलामुअलैकुम नाज़रीन, एस एन न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स को एक इतला मिलने के ऊपर फेक करेंसी छापने वाली गैंग को हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स सर्कल इंस्पेक्टर एस राघवेंद्रा ने वहां पे पहुंचे और उनके कब्जे से धावा मारते हुए सरव सामान को जब्त किया और उनकी गैंग को अरेस्ट किया। जैसे इसकी इतला नॉर्थ जोन टास्क फोर्स को भी मिली, नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और साउथ जोन टास्क फोर्स मिल के इस शानदार ऑपरेशन को कामयाबी हासिल की और उनको वहाँ से हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से सारा सामान को जब्त किया और उनको अदालत की तहवील में दे दिया गया। देखते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर कुरैशी की ये रिपोर्ट। उसकी तरफ से FICN फेक इंडियन करेंसी नोट, जाली नोट का दो गैंग का अरेस्ट हुआ और इसमें 13 क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई और उनके पास से 17.77 लाख का FICN फेक इंडियन करेंसी नोट, जाली नोट बरामद हुआ। इसमें जो पहला गैंग है जिसमें कि 4 मेंबर अरेस्ट हुए और उनके पास से 8.5 लाख का फेक इंडियन नोट रिकवर हुआ, उसमें गैंग लीडर BV शिवा संदीप, जो कि तेजा कॉम्प्लेक्स हेरिटेज सुपरमार्केट मेहंदीपट्टनम का रहने वाला है, सबसे पहले वो अरेस्ट हुआ। उसके बाद अकबर पाशा, सन ऑफ शेख मोइनुद्दीन, रेसिडेंट ऑफ न्यू किशन नगर, आसिफ नगर, हैदराबाद। नंबर 3 मोहम्मद मोइन, सन ऑफ मोहम्मद अलीउद्दीन, मेडिकल एम्प्लॉई है, मुराज नगर, आसिफ नगर। नंबर 4 मोहम्मद रजीउद्दीन, मिल्क सप्लायर है खिलवत ग्राउंड का, और इनके पास से टोटल 8.5 लाख कैश, 1 एप्पल कंप्यूटर, कलर प्रिंटर, पेपर कटिंग स्केल, एम्प्टी पेपर बंडल और बाकी सब सामान जिससे ये लोग ये प्रिंट करते थे, जिसका बरामद हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में चक्रवर्ती गुम्मी एडिशनल DCP टास्क फोर्स और उनके साथ एस राघवेंद्रा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर एन श्री साइलम, मोहम्मद तकीउद्दीन, वी नरेंद्र और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के पूरे ऑफिसर्स कंट्रीब्यूट किए। जो दूसरा गैंग है जिसमें कि 9 मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई और टोटल 9.27 लाख काउंटरफीट करेंसी का सीजर हुआ, इसमें गैंग लीडर संगारेड्डी टाउन से जुड़ा हुआ है और इशाक बिन साले, सन ऑफ साले बिन उमर, एज 33 ईयर्स, जो स्टील यूटेंसिल्स का बिजनेस करता है, रहने वाला संगारेड्डी टाउन तेलंगाना स्टेट का है और ये इस पूरे गैंग का लीडर। इसका जो काबिलियत है वो स्कैनिंग, प्रिंटिंग, सर्कुलेटिंग ऑफ काउंटरफीट करेंसी का है। और इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं उसमें भंडारी गौतम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद गौसुद्दीन, अबरार खान, सैयद खासिफ बहादुर और इस पूरे गैंग में 3 जुवेनाइल माइनर का भी ये लोग यूज़ करते थे और इनके पास से टोटल 9.27 लाख का काउंटरफीट करेंसी सीज हुआ और इसके साथ बाकी आइटम्स भी बरामद हुए। ये सेकेंड जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे DCP पी राधा किशन राव और उनके साथ के नागेश्वर राव, परमेश्वर श्रीकांत, राजशेखर रेड्डी और नॉर्थ जोन के पूरे स्टाफ बहुत अच्छा काम किए। इसी में एक तीसरा केस भी आज डिटेक्ट हुआ जिसमें कि हमारे साउथ जोन टास्क फोर्स के और चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन मिलकर ये इंटर स्टेट, ये जो गैंग है इसका जो लीडर है ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है मालदा डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है और ये अक्यूज का नाम है अमीन उल रहमान, एलियस इमाम उल हक, एलियस बबलू, सन ऑफ फजलू शेख, एज 40 ईयर्स। ये बांग्लादेश से भी इसका लिंक है और साउथ इंडिया के सभी स्टेट जिसमें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी शामिल है वहाँ ये नोट का सर्कुलेशन करता है और इसका एक क्लोज एसोसिएट है मोहम्मद गौस, जो कि क्राइम नंबर 62/2019 में चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुआ था। इन लोगों के ऊपर जो केसेस हैं उसमें गोपालपुरम मार्केट, चंद्रायन गुट्टा, मीर चौक, चार मीनार, भवानीपुरम और विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम फोर टाउन पुलिस स्टेशन, चंद्रायन गुट्टा
और ये सेकंड जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे एडिशनल डीसीपी चक्रवर्ती भूमी, एस राघवेंद्र इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन, श्री साइलम तकीउद्दीन नरेंद्र और चंद्रायन कुट्टा पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ ये इतना अच्छा ऑपरेशन किए, जिसके लिए हमारे तरफ से सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Now this third gang is a very old gang, as you are aware. 2013 से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 2013 से लेके अभी तक इनके बारे में पुलिस स्टेशन सब में रिकॉर्ड है, और इनकी गिरफ्तारी पहले भी बहुत बार हुई है।